दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संतोष पांडे और आप देख रहे हैं पोल टॉक। आज मैं हूं लखनऊ में और लखनऊ में इस समय मौसम भले ठंड हो लेकिन सियासत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि सरकार में उनकी वापसी है और भाजपा फर्क साफ लेकर के चल रही है। बसपा की सुप्रीमो मायावती शांत हैं, कांग्रेस कह रही है इस बार बेटियों का मामला है। हमारे साथ एक और बेटी हैं जो चुनाव लड़ चुकी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, निधि यादव आती हैं प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद नाम था, वहाँ के हड़िया विधानसभा सीट से। इनसे जानते हैं कि सपा की क्या रणनीति है, चूँकि ये पार्टी में प्रवक्ता भी हैं, इनका अपना काम भी है। इनसे समाजवादी पार्टी की रणनीतियों के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर इनका स्टैंड कहाँ है समाजवादी पार्टी में। निधि यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पहला सवाल आपसे करते हैं, चूँकि आप लड़की हैं, एक नारा है समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस का है, जो पहले पिछली सरकार में जब आप चुनाव लड़ी थी तो आपके साथ गठबंधन था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, समाजवादी पार्टी में उस नारे का क्या असर है? पहला सवाल आपसे यही है। देखिए, जहाँ तक बेटियों और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जाती है, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो समाजवादी मूल्यों पर खड़ी है। लोहिया जी ने कहा था कि महिला और पुरुष की समानता हमारी सप्त क्रांतियों में पहली क्रांति का सूत्र था, तो समाजवादी पार्टी ने हमेशा से महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है। और सशक्त सिर्फ देखिए, नारा देने से महिलाएं नहीं सशक्त हो जाती हैं, महिलाएं तब सशक्त होती हैं जब ग्रास रूट लेवल पे उनको शिक्षा के अवसर दिए जाते हैं, उनको सुरक्षा के अवसर दिए जाते हैं, समाज में जो एक जजमेंटल सोच होती है महिलाओं के प्रति उसको कहीं ना कहीं हटाने का काम किया जाता है और उनको नौकरी के अवसर दिए जाते हैं। तो समाजवादी पार्टी ने इन चीज़ों पे काम किया है। सिर्फ हवा में बोल देने से लड़कियां महिलाएं नहीं सशक्त हो जाती हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हमने महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए डायल 1090 की योजना लेकर हम आए थे और महिलाओं को बेझिझक अपनी कोई भी समस्या उस नंबर पर अपनी बता दी जाती थी और उसका हल भी निकल आता था। लेकिन आज आलम यह है कि भारतीय जनता पार्टी में एक बेटी के साथ घटना हो जाती है, रेप हो जाता है और पुलिस प्रशासन उसी बच्ची को रात को 3 बजे केरोसिन डाल के जला देते हैं। ये महिला सम्मान की बात अगर भारतीय जनता पार्टी करती है तो बेमानी है। जब महिलाएं चुनाव में उतर के आती हैं, अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए, जिस तरह से महिलाओं की इज्जत आबरू पे हमला किया भारतीय जनता पार्टी ने, कहीं उनके हाथ से पर्चे खींचे गए, कहीं उनकी साड़ी खींची गई, तो ये बहुत ही गलत सोच है महिलाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी की। समाजवादी पार्टी ने हमेशा महिलाओं को मजबूत किया है। 55 लाख पेंशन समाजवादी पार्टी ने महिला पेंशन के नाम पे दिया, बिना किसी भेदभाव के महिलाओं को, क्या लड़कियों और लड़कों को लैपटॉप वितरण दे करने का काम किया है। आज आप गाँव में चले जाइए, मैं कई गाँव में स्वयं गई हूँ, अगर बहुत ही आर्थिक स्थिति किसी परिवार की नहीं सही है, एक बच्ची मेरे पास दौड़ के आती है और कहती है कि दीदी मेरे पास जो सबसे महंगी और सबसे बेशकीमती चीज़ है वो मेरे पास एक लैपटॉप है, इसके माध्यम से मैं अपना फ्रीलांसिंग का काम कर लेती हूँ, 2 रुपये कमा लेती हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये सोच किसी और पार्टी की हो ही नहीं सकती है। आप सशक्तिकरण की बात कर रही हैं और वो कह रही हैं कि लड़की हूँ तो लड़ सकती हूँ, ये नारा उनका हो गया। अब दूसरा सवाल आपसे करते हैं, आपने चुनाव भी लड़ा है समाजवादी पार्टी की टिकट पर और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी स्टैंड कर रही है, जो तमाम सर्वेज आ रहे हैं, आपके नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो खुद कह रहे हैं कि मैं उस पर भी चर्चा कर रहा हूँ आपसे, 400 सीटें जीत करके आएंगे, 3 सीटें कौन सी हैं जहाँ वो हार रहे हैं उसकी चर्चा वो नहीं कर रहे हैं। आप प्रयागराज जहाँ धार्मिक स्थल भी है, बच्चे पढ़ते भी हैं, शिक्षा की नगरी भी है, वहाँ से मतलब बहुत सारे ऐसे नेता हुए, प्रधानमंत्री भी हुए, आप क्या देख पा रही हैं कि जो अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 सीटें हम जीत करके आएंगे, आपकी जो सीट है हड़िया जहां समाजवादी पार्टी 2017 में चुनाव हार गई, उसके पहले चुनाव जीती रही है, उस पर क्या देख पा रही हैं? वहां बदलाव हो रहा है या पूरे स्टेट में बदलाव हो रहा है, या जो अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 उसको आप समर्थन कर पा रही हैं, या आप ये भी मानकर चल रही हैं कि इतनी सीटें ही हमारी आ पाएंगी, क्योंकि पार्टी में आपकी जिम्मेदारी, मैंने पहले बताया कि प्रवक्ता भी हैं और आपके पास अपनी भी जिम्मेदारी है अब चुनाव लड़ने की भी, दोनों चीज़ों अगर समझाना हो आपको तो कैसे समझा पा रही हैं कि मामला जो साफ है या कुछ अभी भी आगे पीछे खींचतान चल रही है?
समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में एक तरह से देखिए चुनाव हम जीतने वाले हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और उसी कड़ी में विधानसभा हंडिया भी आती है। जहाँ तक पिछली बार की बात है, विपरीत परिस्थितियाँ कह लीजिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाए गए झूठ बहकावे में जनता आ गई, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वो अगले 5 साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, एक नौकरी वो नहीं दे पाए, उन्होंने कहा था किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, आज किसान की आय दोगुनी छोड़िए, महंगाई की इतनी मार कर दी है कि 200 रुपये तेल हो गया है, 1000 रुपये जो मुफ्त का सिलेंडर इन्होंने दिया था, आज सिलेंडर को साइड में रख के महिलाएं लकड़ी पे खाना बनाने को मजबूर हो रही हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना किया हुआ कोई भी वादा पूरा नहीं किया है और पूरे प्रदेश में जिस तरह से जो हमारी योजनाएं थी, आप देखिए कोविड के समय किस तरह से पूरा देश पूरा प्रदेश इतनी चीज़ों से झेल रहा था, इतनी मुश्किलों के दौर से जब गुजर रहा था, तो ये तो कोविड ने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के फेल्ड सिस्टम को उजागर कर दिया। किस तरह से गंगा नदी में लाशें तैर रही थी, मैं तो वहीं उसी शहर की हूँ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। शमशान में आपको कपड़े से ढकना पड़ रहा है, आप इतने असंवेदनशील हो जाते हैं कि आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौतें नहीं हुई, जबकि वो तस्वीरें कौन झुठला सकता है, जिस तरह से लोग तड़प तड़प के मर गए। आप देखिए हर परिवार में कहीं ना कहीं दूर दराज में आपके भी परिवार में कोई होगा, मेरे भी परिवार में कोई होगा जो कोविड की वजह से जिसको अपनी जान गंवानी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी आज सिर्फ नॉन इश्यू पे बात कर रही है। जितने काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए, चाहे वो लखनऊ मेट्रो का काम हुआ हो, आगरा एक्सप्रेसवे का काम हुआ हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आप सोचिए 80% ऑफ जो भी लैंड एक्विजिशन था समाजवादी पार्टी की सरकार में हो गया, आप जाके उसका फीता काट रहे हैं, लखनऊ मेट्रो का आप फीता काट रहे हैं, आप तमाम ऐसी योजनाओं का नाम बदल दे रहे हैं। अब डायल 100 हमने शुरू की तो आपने डायल 112 करके उसमें 12 नंबर जोड़ के क्या अलग कर दिया, आप ये बताएं। आप शहरों के नाम बदल रहे हैं, आप अब प्रयागराज पे आते हैं, धर्म की नगरी है, अध्यात्म की नगरी है, एजुकेशनल सेंटर रहा है, वहाँ पे प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वहाँ पे हाई कोर्ट है, वहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसी बड़ी बड़ी ऑफिसेज रहे हैं, वहाँ पे पीएचक्यू रहा है, वहाँ पे एजुकेशन का हब रहा है, वहाँ पे सचिवालय रहा है, सारे ऑफिसेज, आप देखिए हाई कोर्ट की भी बेंच, सारी जितनी ऑफिसेज हैं आपको शिफ्ट करके आपने लखनऊ में कर दिया। अगर कहीं ना कहीं ये प्रयागराज के लोगों के साथ बेमानी आप कर रहे हैं, आप क्यों उसका महत्व कम करने का काम कर रहे हैं? तो आप सिर्फ नारा दे देने से या फिर कोई ऐसा बहुत बड़ा सा शब्द बोल देने से विकास नहीं हो जाता है, आपको धरातल पर काम करना होगा और जनता ये बात समझ रही है। आप विदेशों में रही हैं, दिल्ली में आपने जॉब किया है, इलाहाबाद से आप आती हैं, तीनों प्रोमिनेंट इलाके हैं दिल्ली, इलाहाबाद और विदेश, यहाँ भी जिस शहरों में रही हैं, क्या लगता है कि अगर आपकी सरकार आ जाती है, जैसे दावे हो रहे हैं, सर्वे हो रहा है, पहला प्रयास क्या करेंगे आप हड़िया के लिए? मैं दर्शकों को बता दूँ, प्रयागराज जो इलाहाबाद है उसकी एक विधानसभा सीट है हड़िया, जहाँ से आप आती हैं, वहाँ के लिए पहली प्रायोरिटी क्या होगी आपकी? विधायक बनते ही अगर आप विधायक बन जाती हैं तो पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होगी जो अभी तक नहीं हो पाया है वहाँ पर? हंडिया के लिए सबसे पहली जो मेरी प्रायोरिटी है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में मैंने देखा किस तरह से कोविड के काल में, किस तरह से महामारी के दौर में लोगों ने अपने लोगों को गंवाया, लोगों को मूलभूत चिकित्सा की सुविधाएँ नहीं मिल पाई, तो मेरा सबसे पहले जो प्रायोरिटी रहेगी वहाँ पर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना की जाए, वहाँ पे एक किसान मंडी का निर्माण किया जाए कि ताकि किसानों को बहुत दूर अपना उपज बेचने के लिए नहीं जाना पड़े, उचित मूल्यों पे वो वहीं पर उसको बेच सकें। ये मेरी 2 प्राथमिकताएं विधानसभा हंडिया के लिए रहेंगी और खास जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको कैसे इम्प्रोवाइज़ किया जाए महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि जब आप ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं, जब आप एकदम आप कहिए नींव पे काम करते हैं, तभी इमारत मजबूत बनती है। तो मेरा सबसे बड़ा टारगेट यही है कि मैं नींव पे काम करूं वहाँ पे और लोगों को मूलभूत सुविधाएं जो हैं, सड़क, पानी, बिजली, चिकित्सा, सुरक्षा, इसमें कोई भी दिक्कत और परेशानी ना हो। अब आपके चुनाव पे ही सवाल और है, आप 2017 में चुनाव लड़ी हैं, उसमें आपके साथ कांग्रेस भी थी, जब कांग्रेस आपसे दूर रहेगी, वो कौन सा ऐसा काम है या वो कौन सी ऐसी नीति है, रणनीति है या आपका प्रयास है जो आपके लिए की साबित होगा जीत के लिए इस बार? देखिए जिस तरह से 5 वर्षों में हम लोगों ने विधानसभा हंडिया में काम किया है, मुझे लगता है
हर तरह से हर जाति धर्म वर्ग के लोगों का जिस तरह से विश्वास भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है झूठे वादे करके, उनके दुखों में उन्हें अकेला छोड़ के, आज हर समाज हर वर्ग हर धर्म के लोग सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार चाहते हैं, तो वो नैरेटिव ऑलरेडी है, लोगों के बीच में है और यही काम करेगा और यही सरकार बनाएगा। योगी जी कह रहे हैं कि विकास की गंगा बह रही है, आप उसे सहमत हैं? विकास की गंगा बह रही है ये बोलते हुए उनको थोड़ा सोचना चाहिए, जिस तरह से गंगा में लाशें जब बह रही थी, ज़रा उस पर भी अगर बोल देते, किस तरह से उन्होंने उसको छुपाने का काम किया, उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से लोग नहीं मरे। गंगा गाय की बातें ना करें, आप देखिए आज जिस तरह से आवारा पशुओं ने किसानों के खेतों को बर्बाद किया, आज किसान ठंड की रात में भी बैठ के अपने खेत में बैठा है डंडा लेके कि कोई पशु उनका खेत ना चल जाए, तो ये बहुत ही ज़्यादा, इन सब चीज़ों पे काम ही नहीं किया है मुख्यमंत्री जी ने, वो सिर्फ बोलते हैं, बोलने को क्या है, तो वो तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कहते हैं कि अपराधी बाहर चले गए और अपने खुद के ऊपर लिए है सारे आपराधिक मुकदमे वापस कर लेते हैं। ये हैं हमारे साथ निधि यादव, जो प्रयागराज की हड़िया विधानसभा चुनाव इन्होंने लड़ा था, कुछ मार्जिन से चुनाव इनका सफल नहीं रहा, दोबारा फिर मैदान जाने की तैयारी हो रही है और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सीटें जीत करके आएंगे। उन्होंने कहा है कि किसी एक चैनल में 400 सीटें जीत करके आएंगे, 3 सीटों पर वो जीत नहीं पाएंगे, वो 3 सीटें कौन सी होंगी उन्होंने नहीं बताया है। इन्होंने भी कहा है कि बहुत बेहतर तरीके सरकार बनेगी, फुल मेजॉरिटी सरकार बनेगी, लेकिन बात वही हो रही है कि क्या इस बार सपा की वापसी होगी, जैसे मैंने पहले कहा उसमें कौन कौन से फैक्टर होंगे जो जो ये बात बनाने में मजबूती से साथ देंगे कि सपा की सरकार बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। लेकिन हमारा लगातार प्रयास जारी है कि आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव के संबंधित ग्राउंड रिपोर्ट के साथ साथ वो इंटरव्यूज़ भी दिखाए जाएँ जो प्रत्याशी मैदान में जा रहे हैं, क्योंकि आप इनको जानना ज़रूरी होता है, बिना इनकी बातों को समझे आप वोट नहीं कर सकते हैं। इस दौरान जो मतदान हो रहा है उसमें कोरोना की बड़ी भूमिका है, हो सकता है डिजिटल मतदान हो, डिजिटल चीज़ें हो, वर्चुअल रैलियां हो, तमाम सारे प्रयास किए जा रहे हैं। चुनाव ने कह दिया है कि चुनाव ऐन वक्त पर होगा, समय पर होगा, जहां जब चुनाव होना है तभी होगा। तो चुनाव आयोग की इस बातों को लेकर के सभी दलों में खलबली भी है, शांति भी है। आपसे हम अंतिम कमेंट चाहेंगे कि चुनाव आयोग जिस तरीके से बातें कर रहा है, क्या आपसे सहमत हैं या आपको लगता है नहीं थोड़ा इसमें और बदलाव होना चाहिए? चुनाव आयोग का जो भी फैसला होगा उसमें जो भी मांगे हैं हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और हमारे जो भी इलेक्शन कमीशन को लेके जो भी हमारी कमेटी बनी हुई है वो लगातार वो मुद्दे उठा रही है, अपनी बातें कर रही है, तो जो भी बातें हैं वो संज्ञान में हैं और वो उठाए जा रहे हैं टाइम टू टाइम। अब ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि कितनी बातों को वो समाहित करते हैं और किन बातों को हमें एक चुनौतीपूर्ण वातावरण मिल सकता है, ये तो इलेक्शन कमीशन के डिक्लेरेशन के बाद ही होगा, पता चलेगा। तो आपने देखा उस तमाम सवाल हुए हैं जो हमें करना था, आप लोगों ने जो सवाल किया था पूछने के लिए, वो सवाल सारे सवाल निधि यादव से पूछे जा चुके हैं। लगातार चुनाव के साथ साथ इंटरव्यू जो पॉलिटिकल हो रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश चुनाव संबंधित हैं, उनको देखने के लिए पोल टॉक चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज बस इतना ही, धन्यवाद।